अब नियुक्त कर दिए गए हैं जो कि अपने अपने प्रदेशों में जाएंगे और जाहिर सी बात है बहुत जल्दी ही अब शायद जो मुख्यमंत्री का नाम है वो भी सामने आ जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों के लिए तीन तीन पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान के लिए राजनाथ सिंह, विनोद तांबड़े, सरोज पांडे को पर्यवेक्षक बनाया गया है। उधर मध्य प्रदेश के लिए मनोहर लाल खट्टर, आशा लाकड़ा और के लक्ष्मण को पर्यवेक्षक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा, दुष्यंत कुमार को पर्यवेक्षक बनाया गया है। अब ये अपने अपने राज्यों में जाकर वहां के विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। अगर कोई असहमति है तो वो बंद कमरे के अंदर ही हो जाए और यहां दिल्ली में क्या चुना गया है ये विधायकों तक पहुंचाया जाए और उनकी राय ली जाए। पर्यवेक्षक का सबसे बड़ा काम यही रहता है। राजस्थान के साथ शुरुआत कर लेते हैं, वो तीन चेहरे कौन कौन से हैं राजस्थान के अंदर। सबसे बड़ा नाम है राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं और तीनों ही राज्यों में जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उनमें सबसे हैवी वेट राजनाथ सिंह का है। चुनौती सबसे बड़ी आप समझ सकते हैं राजस्थान ही है। इसके अलावा विनोद तावड़े राष्ट्रीय महासचिव है, सरोज पांडे सांसद हैं। इन तीनों को राजस्थान के लिए रवाना किया जाएगा और राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन ये तय करना, विधायकों को समझाना, उनकी राय सुनना, ये तमाम चीजें अब इन तीन चेहरों के ऊपर रहने वाली है। राजस्थान का नाम आपको मैंने दिखाया, मध्य प्रदेश की अब बात कर लेते हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश वो जगह है जहां बीजेपी में फूट हो जाए या वहां पर इस तरह की कोई चुनौती अभी बीजेपी के अंदर नहीं दिखाई दे रही है। मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा के, इसके अलावा आशा लाकड़ा राष्ट्रीय सचिव, डॉक्टर के लक्ष्मण अध्यक्ष जो कि बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के हैं वो यहां पर पर्यवेक्षक बनाए गए। अब छत्तीसगढ़ के बारे में देख लेते हैं, अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के लिए, इन्हें रवाना किया गया है। इसके अलावा जो दो नाम है छत्तीसगढ़ में वो सर्बानंद सोनोवाल का है और दुष्यंत कुमार गौतम का है। तो तीन राज्य, तीन तीन पर्यवेक्षक और एक ही सवाल, मुख्यमंत्री कौन। अब ये तीन चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं जो राजस्थान जाएंगे और वहां पर विधायकों से चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े महाराष्ट्र से आते हैं और अगला नाम जो है वो है सरोज पांडे का। ये तीन चेहरे जिन्हें राजस्थान के लिए भेजा जाएगा। अब स्थिति ऐसी लग रही है बीजेपी के लिए कि शायद चुनाव जीतना ज्यादा आसान था, मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान शायद ज्यादा मुश्किल अब हो गया है। मोहनलाल जी, ये जो आप पर आरोप है कि आप विधायकों को लेकर चले गए रिजॉर्ट के अंदर, उसके बाद में आपने जबरन रखा उनको, लाने में भी जब लाने के लिए गए तो आपने रोकने की कोशिश की। देखो, पहले बात हम वसुंधरा जी के क्षेत्र के लोग हैं और हमारे लोगों को हम ही बाड़ाबंदी करेंगे, ये आरोप यहीं ख़त्म हो जाता है। और जो बयान हेमराज जी ने दिए हैं, उनका बेटा कह रहा है कि ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी, तो ये बात करना ही उचित नहीं है। लेकिन फिर आप आए हो तो घटना ये नहीं है, सच बात ये है। हम जीतने के बाद तीनों एक साथ संघ कार्यालय गए 12 में, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गए 12 में, फिर हम की मर्जी से घर उन अपने अपने घर गए। हम सुबह अपनी अपनी गाड़ियों से अपनी अपनी मर्जी से हम जयपुर आए, अपनी अपनी मर्जी से बिना विदाई का परिचय दिए नॉर्मल आदमी की तरह हम लोग उस रिसोर्ट में रुके। 2 दिन तक हम वहाँ रुके, हमारे किसी के मोबाइल बंद नहीं थे, न लल्लू जी का मोबाइल बंद था। उसके बाद अचानक रात की 2 बजे 30-35 आदमियों को ललित मीणा को जबरदस्ती ले जाने की जो बात कही उसका मैंने विरोध किया है। उनमें मेरा एक भी जान पहचान का व्यक्ति नहीं था, उनको मना कर दिया। कौन थे जो